गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज मैं आप लोगों को MAEC 111 पेपर नंबर, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, इसमें हम कीनियस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो एक आधार स्तंभ है इफेक्टिव डिमांड पर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जो कीनियस इकोनॉमिक्स है, ये जो ग्रेट डिप्रेशन 1930 में जब आया, इसके पहले पूरी अर्थव्यवस्था क्लासिकल थ्योरी पे चल रही थी। क्लासिकल थ्योरी की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें कोई इंटरवेंशन नहीं था, जिसमें ऑटोमेटिक शक्तियाँ होती थी जो बेरोजगारी को कंप्लीट कर लेती थी, और यह सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी थी। अर्थात जो है सेल्स ऑफ मार्केट को के विषय में मैं आपको बताया हूँ कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। इस आधार पर जब क्लासिकल थ्योरी चली तो कंटिन्यूस में ये माना गया कि अर्थव्यवस्था में हमेशा बैलेंस की स्थिति रहेगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन 1930 में जब महामंदी आई, उस समय क्लासिकल थ्योरी जो थी इस संदर्भ में वो फेल हो गई और महामंदी की चपेट में पूरा वर्ल्ड आ गया। ऐसे समय में कीन्स ने बताया कि जो क्लासिकल थ्योरी के आधार पर जो ये चल रहा था इकोनॉमी, वह फेल हो गया। अब आवश्यकता है इसमें परिवर्तन की, कुछ सोचने की, चिंतन करने की कि क्या कारण थे जिसकी वजह से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल हो गए। तो कीन्स ने 1936 में एक सिद्धांत बताया, ये किताब बताया, जगत थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बताते थे कि यह अर्थव्यवस्था पूर्ति के आधार पर है, उन्होंने सिरे से उसको नकारा और ये बताया कि नहीं, अर्थव्यवस्था जो है पूर्ति के आधार पर नहीं, बल्कि यह मांग के आधार पर अर्थव्यवस्था है। और मांग के आधार पर जब उन्होंने बताया तो उसमें एक बिंदु बताया, ये इफेक्टिव डिमांड प्रभावी मांग। इसी प्रभावी मांग को ही हम बेसिक आधार स्तंभ मानते हैं कीनियस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। यह जो इफेक्टिव डिमांड है, यह हमारा जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज द पिलर ऑफ कीनियस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक आधार स्तंभ है कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है उसमें। और इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट विच इट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यह प्रभावी मांग बिंदु ऐसे समय होता है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। और इफेक्टिव डिमांड इज एक्सप्रेस्ड बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थात समग्र मांग जो है यह अर्थव्यवस्था में ये समग्र व्यय को इंडिकेट करता है। और इस संदर्भ में ये जो इफेक्टिव डिमांड है ऐसे बिंदु पर आता है जहाँ पर समग्र मांग जो है वह समग्र पूर्ति के बराबर होता है। इसमें एक ये डायग्राम वो बनाया गया है पर कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दो जो ये है प्रणाम, ये एग्रीगेट डिमांड जो है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, अदर फैक्टर्स जो होते हैं उससे ये रिलेटेड है, और एग्रीगेट जो सप्लाई है प्राइस लेवल एंड कास्ट पोटेंसी आउटपुट कैपिटल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम आगे आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। ये दोनों मिलकर इंटरेक्शन ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड, और यही हमारा आउटपुट GDP डिटरमिनेट करता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को शो करेगा, प्राइस क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इस सब के आधार पर, और उसमें फॉरेन ट्रेड टैक्स माइनस एम जो होता है उसके आधार पर इसको बताएगा। तो जो ये इफेक्टिव डिमांड है यह एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड पर निर्भर करता है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका फिगर भी हम आगे बताएंगे। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल्ड, अर्थात जो एग्रीगेट समग्र मांग वक्र है वह बनता कैसे है। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के आधार पर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम बनाते हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो हमारा आय का वो रोजगार का स्तर होगा उसके आधार पर
हम जो है एग्रीगेट डिमांड प्राइस हमारी ये कितनी होती है। इसमें मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये एग्रीगेट डिमांड समग्र आय है, जो ये समग्र आय है यह होता क्या है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करता है कोई कम्युनिटी को, तो वह चाहता है कि वह एक्सपेक्टेड इनकम, उसकी जो है प्रत्याशित आय क्या होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड जो है वह क्या है, प्रत्याशित आय होती है। तो यह जो प्रत्याशित आय है उसको हम जो कर्व बनाते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व, उसको हम इसी शेड्यूल से बनाते हैं कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे जीरो है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड में जो हमारा करोड़ में ये दिखाए हैं इसको हम लाख में दिखाए हैं जीरो है। अब जैसे जैसे हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड प्राइस हमारी बढ़ती जाती है, जिसको हम समग्र मांग कीमत कहते हैं। समग्र मांग कीमत जैसा कि मैं आपको बताया कि यह प्रत्याशित आय होती है, यह हम उम्मीद करते हैं कि फला प्रोडक्शन है इसको जब हम बेचते हैं तो हमको इतनी आय मिलेगी, यही हमारी जो है प्रत्याशित है। इसको इसी शेड्यूल से जो टेबल ये है शेड्यूल है ये ब्यूरो के आधार पर हम इसको आगे बनाते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो शेड्यूल में बताया हूँ उसी के आधार पर इसको ये आगे ड्रा किया गया है कि आपका ये क्षैतिज एक्स एक्स हमारा है, ये एम्प्लॉयमेंट शो करेगा, ये एक्सपेक्टेड रिसीव अर्थात जो प्रत्याशित आय हमारी होगी। जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रोसीड्स हमारी ये एक्सपेक्टेड रिसीव हमारी बढ़ती जाती है, वह लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स ऊपर होगा फिर आगे जाके यह है। और इसमें ये नियम आपका जो है विद्यमान नियम कांस्टेंट स्थिर और ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसलिए यह धीरे से लेफ्ट टू राइट ऊपर उठते हुए आगे ये आगे बढ़ता है। एग्रीगेट सप्लाई, इसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड एग्रीगेट सप्लाई ये आपका शेड्यूल है, कर्व आएगा, उसके बाद यह एग्रीगेट सप्लाई प्राइज आएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइज जो होती है वह ये होती है कि जैसे कोई भी इंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है जो जब प्रोड्यूस करता है कोई वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करता है तो उस उत्पादन में लेबर के साथ साथ और रॉ मटेरियल्स लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है और सब कुछ चीज़ें लगती हैं। तो जो एक तरह से हम कहें फैक्टर कास्ट, तो वह जो फैक्टर कास्ट होता है वह इन एग्रीगेट सप्लाई प्राइस उसी से रिलेटेड है, अर्थात जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसका हमको आवश्यक रूप से इतना रुपया या पैसा जो भी हम कहें इतना प्राइस हमको मिलनी चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई में यही होता है, द वर्ड्स एग्रीगेट सप्लाई इज द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट वैल्यू एट द फैक्टर कास्ट, अर्थात फैक्टर कास्ट के आधार पर हम ये देखते हैं कि मिनिमम मतलब आवश्यक कितना है कि इसको हम बेचने के बाद हम प्राप्त करें। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी विच द एंटरप्रेन्योर मस्ट रिसीव टू कवर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स। इसको अभी मैं जस्ट आपको बताया कि जो ये सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स मिलकर जो प्रोड्यूस करते हैं मिनिमम कितना मिलना चाहिए अर्थात आवश्यक क्या है। तो अब ये मैटर यही आता है जो एग्रीगेट प्राइज होती है और एग्रीगेट डिमांड होती है, अब दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ होगा वहीं हमारी इफेक्टिव डिमांड होगा, इसको हम भी आपको आगे बता रहे हैं। ये देखिए एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है क्रमशः बढ़ते क्रम में दिया गया है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है अर्थात जीरो है वो, और 25 लाख यदि एम्प्लॉयमेंट रोजगार में लोग लगे हैं तो 240 करोड़ रुपए हमको चाहिए, आवश्यक है कि बेचने हम इतने में बेचें कि हमको आवश्यक रूप से 240 करोड़ मिले। जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के 30 करते हैं तो 255 हो जाता है, इसी क्रम में यह आता है 35 पे 270, जब 40 लाख एम्प्लॉयमेंट रोजगार श्रमिक लगते हैं तो 285 हमारा जो है यह आवश्यक आय हो जाती है, कितना हमको मिलना ही मिलना चाहिए। उसके बाद हम फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति जैसे 40 लाख है उस पर हम 300 यह को जो है मिनिमम 300 करोड़ रुपए हमको मिलना चाहिए। इसी को जब हम ड्रा करते हैं आगे कर्व में तो यह आता है हमारा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स में जाएगा कि जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स अर्थात जो आवश्यक आय है, किससे मिली आवश्यक आय, जो हम प्रोड्यूस करते हैं एंटरप्रेन्योर जो प्रोड्यूस करता है उसमें हमको मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स जो आती हैं
वह मिलनी ही चाहिए। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं वैसे इस पर ऊर्ध्वाधर अक्ष अर्थात वाई एक्सिस पर यह हमको दिखाई देगा। अब हम आपको आगे ये बताएंगे कि ये कैसे आगे इंटरसेक्ट करके इफेक्टिव डिमांड पे आके रुकता है। तो ये जो हमारा ये है विरोध का, ये है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, एग्रीगेट डिमांड प्राइस। अब ये ही समझने वाली चीज है, इसके आधार पर जो ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल के आधार पर ही आगे हम ड्रा किए हैं कि कैसे हमारा इफेक्टिव डिमांड आता है। तो जब हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 25 लाख है तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस 240 करोड़ रुपए होनी चाहिए, अर्थात कि आवश्यक रूप से मिनिमम हमको इतना मिलना चाहिए, और एग्रीगेट डिमांड प्राइस हमारी 250 करोड़ है। अर्थात एक एंटरप्रेन्योर ये उम्मीद करता है, ये आशा करता है, एक्सपेक्ट करता है कि हमको 250 करोड़ रुपए मिले। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं, अर्थात हम लेवल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको हम बढ़ाते जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि किस पॉइंट पर अर्थात किस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हमको जो है इफेक्टिव डिमांड वाला पॉइंट मिलता है। तो जैसे जैसे हम ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि जब 30 लाख है तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस हमारी 255 करोड़ है, उस समय हमारा एक्सपेक्टेड जो है वह ADP 260 करोड़ है। जब बढ़ा के 35 लाख करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट, उस समय 270 करोड़ रुपए हमारी जो है हमारा ASP हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस हो जाता है, उस समय एग्रीगेट डिमांड प्राइस हमारी 270, अर्थात 35 लाख एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर हम एग्रीगेट ये इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट को हम टच कर जाते हैं। इसके बाद यदि इकोनॉमी में और लोग बेरोजगार हैं तो उनको भी हम रोजगार में देंगे, तो देखते हैं कि ये 40 आ गया। उसके बाद जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है 285 करोड़ हो गई, और एग्रीगेट डिमांड प्राइस 280। इस स्थिति में कोई भी एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज द ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड प्राइस 280। इसके लिए हम आगे बताएंगे कि एक नया शेड्यूल हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बिंदु के पहले जो 35 लाख पर 270 और 270 एग्रीगेट डिमांड प्राइस है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, इसके आधार पर हम आगे एनालिसिस करते हैं कि इफेक्टिव डिमांड कैसे क्रिएट होता है। इसके बाद जो हमारे आज टॉपिक का मुख्य बिंदु है प्रभावपूर्ण मांग, और कीनियस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये कहा गया है, यही मेन बेसिक है कि हम ये डिमांड बढ़ा के, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो OADA रेखा जो है ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, और ये जो शीशों को गई है AS, ये हमारी समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई करो है। यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट पॉइंट ई पर करती है। यह पॉइंट ई ही हमारा प्रभावपूर्ण मांग है, अर्थात जो 35 लाख एम्प्लॉयमेंट लगे थे, 270 हमारा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस था और एग्रीगेट डिमांड 270 था, ये पॉइंट हमारा जो पॉइंट ई है ये हमारा इफेक्टिव डिमांड है। इस बिंदु पर हम देखते हैं कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 35 पर 270 ये हमारा ये प्रभावपूर्ण मांग बिंदु है। अब किन्स यह कहते हैं कि यह जो इफेक्टिव डिमांड बिंदु है, इस बिंदु पर यह जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में हो, अर्थात बिंदु यन जो है यह जो है पूर्णतः रोजगार पॉइंट से पहले की स्थिति भी हो सकती है, और यह फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, मतलब में भी ये चांसेस है कि यह जो है अल्प रोजगार की स्थिति है यहाँ पे, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट NFA दिखा रहा है और उसके थोड़ा सा पहले था, कुछ लोग जो है बेरोजगार रह रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो लोग ये बेरोजगार हैं NNF के बीच में जो है, इनको हम कैसे रोजगार में ले आए, यही मूल बिंदु है। और यह यही बिंदु है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, 35 से 40 के बीच में जो है जो अभी बेरोजगार थे इनको हमको रोजगार में ले आना है, ऐसी स्थिति में जब हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे अर्थात समग्र मांग को बढ़ाते हैं, तब यह जो ये एग्रीगेट सप्लाई लाइन है यह
आगे जाके सीधा एकदम ऊर्ध्वाधर हो जाती है, अर्थात एग्रीगेट सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं होगा यदि हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात यह फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होगी। इसको हम आगे नेक्स्ट फिगर से आपको बताएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये हमारा ये जो 270 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट प्राइस वाला पॉइंट था, इसके बाद अर्थात 35 लाख के बाद जो भी हम बढ़ाए हैं एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड। जब यह एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ जाएगा, वो इंटरसेक्ट करेगा ई डैश पॉइंट पर, ई डैश पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेगा तो यह हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होगी। अर्थात किंस का कहना है कि अर्थव्यवस्था में हम एग्रीगेट डिमांड अर्थात समग्र मांग के आधार पर, समग्र मांग के आधार पर फुल एम्प्लॉयमेंट स्थिति पर ले जा सकते हैं। जबकि कोई अर्थव्यवस्था है वह ये मान के चला जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होती, बशर्ते उसके नज़दीक की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने आप अपने मन से ही बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, इसलिए 100% नहीं, लेकिन उनका जो मूल कथन है यह यही है कि हम एग्रीगेट डिमांड को हम आगे बढ़ाकर ही हम एम्प्लॉयमेंट को, ये हम जितने लोग बेरोजगार में हैं इनको हम रोजगार में ले आ सकते हैं, और ये जो हमारा ई डैश पॉइंट है यह हमारा फुल NFNF पॉइंट जो है यह हमारा पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अर्थात इसके बाद यदि हम हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, यदि हम डिमांड बढ़ाते भी हैं, माना कि हम और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं, तो वह हमारा जो है प्राइस बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति यही ही है। अब ये हम देखें कि जैसे कि एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से जब ज़्यादा होता है, ऐसी स्थिति में व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। फिगर जो भी हम लोगों ने देखा है उससे यह पता चल रहा है कि जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई तो डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है, आउटपुट इज इंक्रीज इन रिस्पॉन्स, अर्थात आउटपुट जो है यह हमारा जो है बढ़ जाएगा और अंततः इकोनॉमी जो है अपने तो फुल कैपेसिटी फॉलोड बाई ए प्राइज इंक्रीज, कीमत बढ़ जाएगी। इट्स अपीयर दैट देर आर टू वेज टू रियाइज द एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात हम इंक्रीजिंग आउटपुट को बढ़ाएंगे और इंक्रीजिंग प्राइस को बढ़ाकर हम इकोनॉमी को, फिर एग्रीगेट सप्लाई इज रेज्ड रिलेटिव टू द एग्रीगेट डिमांड एंड इक्वल इज रिस्टोर्ड, अर्थात हम बैलेंस संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है पॉइंट आता है कि एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड एग्रीगेट डिमांड, अर्थात समग्र पूर्ति भी समग्र मांग से ज़्यादा हो सकती है। इसके पहले हम देखें यदि समग्र एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम स्थिति में आ जाएगी। ऐसी स्थिति में इन्वेंट्रीज राइज एंड आउटपुट इज डिक्रीज, अर्थात जो हमारा कच्चा माल इन्वेंट्रीज होगी वह जो है बढ़ जाएगा, आउटपुट हमारा कम हो जाएगा, तो ये गैप बढ़ जाएगा इरीगेट सप्लाई एंड डिमांड का। वर्कर्स आर डेड डाउन, अर्थात जो उद्यमी हैं वो इनको हटा देंगे नौकरी से, श्रमिक को बाहर करेंगे। डिप्रेसिंग एग्रीगेट डिमांड इज द वर्कर्स कट बैक ऑन देयर कंजम्पशन, इस स्थिति में जो श्रमिक होंगे जो रोजगार में लगे रहते हैं वह अपनी डिमांड को वो कम करते हैं, और इन्वेंट्रीज आर सफिशियंट डिप्लाइड, और जो हमारी इन्वेंट्रीज होती है धीरे धीरे जो है ये सफिशियंट डिप्लाइड होती है, और मीन टाइम एग्रीगेट सप्लाई हैज़ फॉलन, ये एग्रीगेट सप्लाई जो है जो बढ़ी हुई होती है धीरे धीरे कम हो जाती है और इकोनॉमी जो है वह इक्विलिब्रियम में आ जाती है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड के लेवल पे आ जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, यह एक लास्ट बिंदु है, इसके विषय में नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा, बशर्ते कि इसमें भी हम आपको संक्षेप में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू किंस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटर्मिनेट बाई द इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अभी मैं जस्ट आपको बताया हूँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और इसमें किंस जो है एग्रीगेट डिमांड को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट ये जो सप्लाई है, सप्लाई साइड पे ही क्लासिकल इकोनॉमी थीरी जो फेल हुई, क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थीरी जो फेल हुई थी वो सप्लाई साइड इकोनॉमी थी, उस पर ये फेल हो गए। जबकि सेज ऑफ मार्केट
और पीगू का वेस्ट कट थ्योरी दोनों अप्लाई किया गया, लेकिन अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया, अर्थात मंदी से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है और एग्रीगेट डिमांड कर्व में हम ये एग्रीगेट डिमांड को ही लेके चलते हैं कीनेस थ्योरी में, और जो इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड होगा। और द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन बाय द इक्विलिटी ऑफ एडी एंड एस, अर्थात एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट नेसेसरी टू इंडिकेट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जैसा कि मैं भी आपको बताया हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ एडी एस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वह बिंदु फुल एम्प्लॉयमेंट का हो, वह उसके पहले का भी बिंदु हो सकता है। अब यही इसमें मेन कहना था कि जब वह फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले का बिंदु होगा तो हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ले जा सकते हैं। बिलो एबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज शोन इन द कर्व। अब आगे एक मैं आपको हल्का सा कर्व बता दूंगा इसके विषय में, और आगे विस्तृत रूप से एक स्पेशल लेक्चर होगी जहाँ पर हम ये हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कंजप्शन होगा, इसके विषय में पढ़ाऊंगा। और ये जो है एक बेसिक चीज है, ये बेसिक है एग्रीगेट सप्लाई डिमांड सी आई एस, ये एस हमारा एडी इंटरसेक्ट इवन इफेक्टिव डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले की स्थिति। इसमें हम ये देखते हैं कि सी आई सी जी ये गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का ये, और इसको जैसे हम बढ़ाते हैं तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाता है जो हमारा रियल नेशनल इनकम है। फिलहाल इसको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, ये सिर्फ अभी हमारे समझने के लिए एक स्पेशल हिंट है बस। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास हम आपको इसी में आगे का इसको समझाएंगे। धन्यवाद।